जो मतलब होल किए हुए मटकी लेना था, तो होल की हुई मटकी हमने ढूंढने की कोशिश की, हम मटकी देने की मतलब बात किया था, तो मटकी देने के लिए कुछ होल का मतलब आपको होल करने का तरीका जो है वो तो समझ में आ ही गया, आप होल करना सीख सकते हैं। तो चलो होल किस तरह से करते हैं वो जो है आसिम भाई, इनका नंबर भी हम दे देंगे, और देखिए कितनी इजीली हो रहा हार्डली, और बड़ा लेने के बाद जो होल करना है आपको वो होल लगते हैं, जो कुंडियाँ लगती है, ये सब बहुत सारे आइटम यहाँ रास्ता भाव में मिल जाते हैं। एक्सोटिक बर्ड एट नागपुर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमें बजरी स्तोत्री पालने की शुरुआत की, तो उसके जो वीडियो बना रखे हैं पार्ट वन पार्ट टू, अभी पार्ट थ्री में हम मटकी देने की मतलब बात किया था, तो मटकी देने के लिए खुद होल कर सकते हैं या खुद होल नहीं कर पाते, तो अगर नागपुर सिटी में रह रहे हैं आप तो नागपुर सिटी में सकरदरा एरिया जो है फेमस एरिया है, और पुराना मार्केट लगता है, पुराने मार्केट में जो पानी की टंकी है वो पानी की टंकी के पास इनका शॉप है, तो वहाँ से भी आप होल किए हुए मटके आराम से ले सकते हैं। तो होल करने के लिए तो सभी मटके मिलेंगे यहाँ, सभी टाइप के खिलौने और बाकी जो घर में यूज़ करने वाली चीज़ें जो रहती है, जैसे कप है और बाकी चीज़ जो हम वीडियो में दिखाएंगे, तो साथ में हम आपको मतलब इनका विजिटिंग कार्ड भी आपको डिस्प्ले करा देंगे, तो वीडियो के अंदर विजिटिंग कार्ड दे देंगे। तो जैसे कि हमें तो आज मतलब होल किए हुए मटकी लेना था, तो होल की हुई मटकी हमने ढूंढने की कोशिश की है नागपुर में, लेकिन बहुत कम लोग जो है होल की करके देते हैं, क्योंकि होल करते समय टूटने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए कोई रिस्क ना अगर नहीं लेना चाहते हो तो सकरदरा चौक में एक शॉप है जिनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में देंगे या वीडियो के अंदर भी आ जाएगा, तो आप यहाँ से मटकी ले सकते हो और बहुत ही चीप रेट में मिल जाता है, क्योंकि हमें जो मटकी दिया अभी ढक्कन होल करके खाली 50 रुपीज़ में दिया इन्होंने, तो अगर आपको भी पसंद आता है तो आप भी ले सकते हैं, अगर आप नागपुर के बाहर रह रहे और यहाँ तक नहीं आ सकते तो जो होल करने का तरीका है इनका ये देख के भी आप होल करना सीख सकते हैं। तो चलो होल किस तरह से करते हैं वो दिखाते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि देखो कितने इजीली होल कर रहे हैं हमें इन्होंने, हमने जो इनको मतलब मटकी जो मटकी का साइज़ जो है थोड़ा बड़ा लिया है, और बड़ा लेने के बाद जो होल करना है आपको वो होल ऊपर टॉप में करना है, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग नीचे होल कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जो बच्चे हैं बजिस के बच्चे बोलो या लवबर्ड के बच्चे बोलो, थोड़े बड़े हो जाने के बाद अगर फीडिंग प्रॉपर नहीं मिली उनको तो वो फीडिंग के चक्कर में वो होल के पास आ जाते हैं और बाहर गिर जाते हैं, तो बाहर गिरने के बाद बाकी बजिस एक तो पालेंगे या नहीं तो मार देते, मतलब उसमें आपका लॉस ही होता है। तो जो होल करना है आपको तो होल ऊपर साइड में करना है, तो होल जो कर रहे जो ये शॉप वाले जो है आसिम भाई, इनका नंबर भी हम दे देंगे, और देखिए कितनी इजीली हो रहा, हार्डली आधे मिनट के अंदर ये होल हो रहा है और प्रॉपर तरीके से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब मटके फूटने का जो डर रहता हमें तो वो ये आप देख के प्रैक्टिकल कर सकते हैं अगर नागपुर के बाहर रह रहे, तो अगर नागपुर के अंदर है तो रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर 8-10 मटके लगती है तो ये इजीली बना के मतलब हार्डली 1 मिनट के अंदर होल करा के दे देते। तो अभी आप देख रहे हैं, क्लियरली दिख रहे हैं कि देखिए किस तरह से होल करते हैं ये, और पहला जो मटका है होल करते समय हल्का उनको लगा कि नहीं ये डैमेज हो सकता है, इसलिए उन्होंने साइड कर दिया, मतलब मटेरियल जो मिलेगा आपको गारंटी के साथ मिलेगा, मतलब इस तरह इजीली आराम से टोक टोक के वो होल कर देते। और आप देख रहे हैं रनिंग में हम वीडियो दिखा रहे हैं क्योंकि फॉरवर्ड वगैरह नहीं किया है, तो आपको भी समझ में आ जाता है, देखो इजीली 2 मिनट मतलब हार्डली एक आधे मिनट के अंदर होल हो जाता है। मतलब आपको होल करने का तरीका जो है वो तो समझ में आ ही गया, फिर भी एक मटका देख लेते हैं और फिर बाकी जैसे इनके दुकान का विजिट भी कर लेते हैं, क्योंकि दुकान के अंदर अभी बहुत सारा मटेरियल दिख रहा है, मतलब आपको मटकी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए जैसे गार्डनिंग के लिए टॉप वगैरह, तो वो भी मिल जाते हैं, तो वो भी देख लेते, लेकिन ये मटके का होल फाइनल देख लेते ताकि आपको मटकी का किस तरह से किया जाता है ये समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसे होल तो हमें भी करना आता है, लेकिन होल करते समय अभी आपने ही देखा कि 2 मटकी उनको डाउट हुआ तो मतलब निकाल के बाजू में रख दिया, लेकिन आप घर में लेके जाओगे तो किसको वापस करोगे, मतलब वो तो 100 रुपये का लॉस हो ही जाएगा, उससे अच्छा थोड़ा टाइम निकालो और ये जो सक्करदरा एरिया है ये एरिया में आके आप इजीली इनसे होल किए हुए मटकी ले सकते हैं।
तो चलो बाकी अभी दुकान का व्यू भी देख लेते हैं। जैसे गार्डनिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए जैसे ये गमले वगैरह लगते हैं, जो कुंडियाँ लगती है, ये सब बहुत सारे आइटम यहाँ रास्ते भाव में मिल जाते हैं, क्योंकि हमने भी हमारे लिए बहुत सारी चीज़ देखने की कोशिश की है और रेट भी पता किए, तो रेट बहुत कम लग रहे हैं हमें। जैसे ये तुलसी लगाने के लिए जो रुंदा वन रहता है, ये अलग अलग डिज़ाइन में है, और इधर अचार वगैरह बनाने के लिए रखने के लिए ये भी बहुत सारे आइटम हैं। तो मटकियों की वैरायटी के अंदर बहुत सारी वैरायटी है। अभी अंदर जो है ये चीनी मिट्टी के बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम आपको दिख रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं, और जो ज़रूरत है वो ज़रूरत के हिसाब से आप खरीद सकते हैं आके। अभी इन्होंने ये स्टैंड भी रखा है मटकी वगैरह रखने के लिए, छोटे जो होते हैं, छोटे मोटे, मतलब आपको हम दिखाने की कोशिश ही कर रहे हैं कि वीडियो के साथ साथ अगर आपको कोई यहाँ की ज़रूरतमंद चीज़ लगती होगी तो भी आप ले सकते हैं यहाँ आके। मतलब लोकेशन में सेंटर नागपुर में ही आता है, ये सक्करदरा एरिया। अभी जो मटकी जैसी हार्ड होती है, नाजुक नहीं होती, मतलब मुलायम नहीं होती, तो उस कंडीशन में ये भाई साहब जो है ये पोकर का यूज़ कर रहे हैं, उसमें हल्का होल कर लिया। होल करने के बाद जैसे हमने भी इसके पहले एक वीडियो बना रखा है, तो हमने भी पहले होल किया था, उसमें वीडियो में दिखता है, और होल करने के बाद धीरे धीरे साइड से कट करेंगे तो अच्छे से होल हो जाता है अगर टाइट मटका रहा तो इस तरह से होल बनता है। तो चलो फिर, मतलब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि होल किस तरह से किया जाए पता नहीं रहता, तो इसलिए हमने सोचा कि हम तो मटकियाँ ले रहे हैं और जो होल करके मिल रहा है हमें, तो होल किए हुए मटकी का आपको भी वीडियो बना के दे दे, ताकि नागपुर के अगल बगल में अगर आप रह रहे हैं तो आप यहाँ आके ले सकते हैं। तो चलो फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल का जो लोगो दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, या चैनल को विजिट करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो पुराने वीडियो अगर नहीं देखे होंगे आपने, तो जो साइड में जो एंड स्क्रीन में दो वीडियो दिख रहे हैं, तो उसके ऊपर भी क्लिक करके पुराने वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।